गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी स्टूडेंट्स आप? सो स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी राहत की गवर्नमेंट ने आपको दी है, शिक्षा विभाग ने दी है कि आपका सिलेबस का 40% सिलेबस जो है वो हटा दिया है, मात्र आपको 60% सिलेबस पढ़ना होगा। और मैंने इससे संबंधित पिछली क्लास में आपको बता दिया, ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे और आप तक पहुंचा दी है कि सिलेबस के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना होगा और कौन कौन सा पार्ट हटा दिए गए। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर साइंस में अपने 15 लेसन हैं। अब 15 लेसन का मतलब ये नहीं कि इसका 40% निकाल दिया गया होगा, इसका 40% नहीं निकाला, ऐसे करके नहीं निकाला है 40%, ठीक है। इन्होंने क्या किया, चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए, मैंने जो पिछली वीडियो आपने देखी होगी उसमें पूरा डिस्क्राइब किया है मैंने कि कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए। और राहत की बात इतनी है कि अपन ने जो टॉपिक पढ़े हैं वो सारे अभी तक आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर पूरा है एंड देन सेकेंड चैप्टर में हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें 1D एंड 2D अरे दोनों को कवर किया था, तो दोनों आपके कोर्स में हैं। तो उसी क्रम में हम चलते हैं और जो सिलेबस अब आएगा उसी को हम फॉलो करेंगे। और आपके लिए बहुत अच्छी बात है, जो भी स्टूडेंट कहते हैं टफ है टफ है, सारा सरकार ने जो शिक्षा विभाग है उसने सारा टफ वाला पोर्शन हटा दिया, बस सिंपल सिंपल पोर्शन आपको पढ़ना है। मैं मांग के चलूँ, यदि सबको कैलकुलेट किया जाए तो 15 लेसन में से सिर्फ 7 लेसन आने वाले हैं सिर्फ, और 8 लेसन मानो एक तरीके हट गया, ठीक है, कुछ टॉपिक हटाए। बट एक मान के चलते हैं 15 चैप्टर में से 8 चैप्टर हटा दिए गए, 7 चैप्टर आपको पढ़ने एक तरीके से देखा जाए तो कुछ कुछ टॉपिक को मिलाकर 7 चैप्टर बनते हैं। तो इसके बाद जो चैप्टर 3rd आएगा 4th आएगा हटा दिया, बहुत स्टूडेंट माथा पच्ची कर देते कैसे रे क्या है समझ में नहीं आ रहा, वो हटा दिया। अब की बार आपके पास बहुत अच्छी परसेंटेज बढ़ाने का चांस है, देखते हैं क्या करते हैं आप। फिलहाल हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। अब जो अगला टॉपिक है अपना वो है बेसिक ऑपरेशन ऑफ ऑन एरे, एरे के जो बेसिक ऑपरेशन है, बेसिक का मतलब बुनियादी ऑपरेशन, बुनियादी ऑपरेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ाई करेंगे कि एरे के कौन कौन से बुनियादी ऑपरेशन हैं। हमने फर्स्ट लेसन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के बुनियादी ऑपरेशन पढ़े थे, ठीक है, लगभग वही हैं। और जो डेफिनेशन आपने वहाँ पढ़ी थी वही डेफिनेशन आपको यहाँ भी पढ़नी है। तो बेसिक ऑपरेशन में से फर्स्ट जो है आपका वो है ट्रवर्सिंग। क्या है आपका? ट्रवर्सिंग, इट्स मीन्स डेटा में जो तत्व मौजूद हैं, एलिमेंट जो मौजूद हैं उनको प्रोसेस करना। क्या करना? प्रोसेस, प्रोसेस करना ही क्या कहलाता है? ट्रवर्सिंग कहता है। डेटा, डेटा में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको प्रोसेस करना ही ट्रवर्सिंग कहलाता है। एंड देन सेकंड है आपका इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है आपका जोड़ना, ऐड करना। इट्स मीन्स डेटा स्ट्रक्चर में हम कोई एरे के अंदर कोई डेटा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई नया डेटा ऐड करना, कोई नया एलिमेंट्स ऐड करना इंसर्शन कहलाता है, ठीक है। तो एरे में यदि हम कोई नया एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं तो उसे इंसर्शन कहते हैं। एंड देन अगला टॉपिक है डिलीशन। नाम से ही क्लियर, डिलीशन मतलब हटाना, जिस तरह ऐड करते हैं उस तरह हम हटा भी सकते हैं। तो डेटा जो एरे है इसमें से कोई एलिमेंट हटाना, एक एलिमेंट हटाना डिलीशन कहलाता है। सर्च, तो एरे में कोई पर्टिकुलर कोई एलिमेंट ढूंढना सर्चिंग कहलाता है, फाइंड करना सर्चिंग कहलाता है। एंड देन फाइनल अपडेट, अपडेट का मतलब परिवर्तन करना, और इस सबसे तो आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं, अपडेट का मतलब होता है परिवर्तन करना। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम कहें एरे में, एरे भी क्या एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसके अंदर उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनमें परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अपडेट कहलाता है। तो जो एरे के बुनियादी ऑपरेशन है ये आपको समझ में आए हों, ट्रवर्सिंग प्रोसेसिंग करना, इंसर्शन जोड़ना, डिलीशन हटाना, सर्च ढूंढना, अपडेट परिवर्तन करना, ठीक है। तो ये तो बेसिक ऑपरेशन है। इसके बाद जो आने वाला है
बाकी सब बीच में हटा दिया गया सारा सारा। अब सीधा जो टॉपिक है आपका वो है सर्चिंग, जिसमें लीनियर और बाइनरी सर्चिंग के प्रोग्राम बनने वाले हैं बस। तो हम अभी इसी क्लास में लीनियर सर्चिंग का भी हम प्रोग्राम देखते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है अगला वो है सर्चिंग, सर्चिंग और पढ़ें। सर्चिंग का मतलब होता है ढूंढना, सबको पता है। तो एरे में दो प्रकार की सर्चिंग होती है, एक तो होती है आपकी लीनियर और एक होती है बाइनरी। अब जो प्रोग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हो लीनियर सर्च का प्रोग्राम है और एक और है बाइनरी सर्च। आपके ये दोनों अभी नए सिलेबस में हैं, हमको दोनों सर्चिंग पढ़नी है। तो लीनियर सर्च क्या होते है, लीनियर फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था रेखीय, मतलब एक के बाद हम उसको सर्च करें, दैट इज कॉल्ड लीनियर सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च जो होते किसी प्रकार के डेटा पे काम कर जाती है, चाहे वो डेटा सॉर्टेड हो या ना हो, व्यवस्थित हो या ना हो, दोनों पे काम करती है। परंतु बाइनरी जो सर्चिंग है सिर्फ ये सॉर्टेड डेटा मतलब व्यवस्थित डेटा पर ही काम करती है। तो इस सर्चिंग के लिए पहले डेटा को व्यवस्थित क्रम में जमाना होता है, मतलब पहले तत्वों को लेंगे फिर उनको व्यवस्थित क्रम में जमाएंगे फिर उसके बाद ढूंढेंगे, तो लंबी प्रोसेस होती है। और ये जो छोटे डेटा पर ही काम करती है बड़े डेटा पर काम नहीं करती, जबकि लीनियर सर्चिंग किसी प्रकार के डेटा पर काम आसानी से करती है। ये इन दोनों का डिफरेंट आपका हो गया, क्लियर। आप नोटबुक में नोट डाउन कर ले दोनों की डेफिनेशन भी। लीनियर सर्च किसी भी प्रकार के डेटा पर कार्य कर सकती है, यह स्टेप बाय स्टेप तत्वों को सर्च करती है और यह बड़े डेटा के लिए उपयोगी होती है। बाइनरी सर्च में पहले डेटा को व्यवस्थित क्रम में जमाया जाता है उसके बाद सर्चिंग की जाती है और यह बड़े डेटा के लिए उपयोगी नहीं है। आपके एग्जाम में लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का डिफरेंट ये पूछे तो आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं लीनियर सर्च के प्रोग्राम की। तो ये लीनियर सर्च का प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लंबा प्रोग्राम है पर समझने में आसान है। देखो कैसे काम करता है लीनियर सर्च। यहाँ से यहाँ तक मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, ये तो हर प्रोग्राम में लिखना ही है। अब हमने क्या किया, 1D एरे याद है आपको, 1D एरे बना रहे हैं पहले तो अपन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1D एरे का ही प्रोग्राम है। हमने ABC नाम का एक एरे बनाया जिसकी साइज 5 दी, एक I नाम का, एक T नाम का, एक TEMP टेम्प नाम का। हमने एक ABC तो एक एरे बन गया, I, T और टेम्प ये 3 वेरिएबल और लिए हैं अपन ने। ये वेरिएबल का नाम हम अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, मुझे लगा आई रखना है, मुझे लगा टी रखना है, तो मैंने अपनी इच्छा के अनुसार के नाम रख दिया। आप अपनी इच्छा के अनुसार के नाम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे 1D एरे में क्या था हमने कि एंटर एरे नंबर, एरे के नंबर एंटर करो। यहाँ पर हम इसका देखो बोर्ड की थोड़ी स्क्रीन छोटी है, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आउटपुट के अंदर वही लाइन लिखी आती है जो प्रिंटफ में लिखी होती है। क्या लिखी हुई है, एंटर एरे नंबर, क्या लिखी आएगी, एंटर एरे नंबर। ओके, देन आई की वैल्यू क्या है। एक बात और ध्यान रख लें, मैंने कहा था जैसे ही ये लिखेंगे अपन मेमोरी के अंदर एक ऐसी संरचना बन जाती है 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाम क्या है इसका, ABC। साइज कितनी है इसकी, 5। इनका नाम क्या है, आई, तो इसका नाम भी क्या हो गया, आई हो गया। साइज कितनी है, 5 दिखाई दे रही है। ये लिखते इस तरह की संरचना बन गई। अब सबसे पहले हमको ये डिब्बा एरे का इसको भरना है, तो भरने के लिए अपने पास ये अपन ने काम किया है पूरा। आई की वैल्यू कितनी है, 1, ये रहा 1, आई कितना है 1, छोटा है क्या, बिल्कुल छोटा है 5 से। तो फिर नीचे आते हैं अपन, नीचे आते हैं, हमने कहा वैल्यू 2 इसके लिए, मैंने टाइप किया 10। तो इसके मैं अपने 10 को उठाया और कहाँ डाल दिया, ABC के आई पर, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 10 यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे अपन, i++ i1 था कितना हो गया, 2 हो गया। फिर कंडीशन की जाँच होगी कि छोटा है क्या i 5 से, i की वैल्यू 2 है, छोटा है 5 से। फिर नीचे आएंगे आप, हम इसके लिए वैल्यू तो मैंने दी 15, अपनी इच्छा के अनुसार वैल्यू रख सकते हो। इसके लिए अपने उठाया 15 और डाल दिया इधर,
यहाँ से फिर गया आई प्लस प्लस आई कितना हो गया तीन, छोटा है क्या छोटा है, तीन के लिए वैल्यू दो मैन टाइप कर दी बीस, बीस चली गई, फिर ऊपर गया आई प्लस प्लस आई कितना हो गया चार, छोटा है क्या बी छोटा है तो चार के लिए वैल्यू दो मैंने पच्चीस दे दी, पच्चीस चला गया इधर, फिर ऊपर गए आई प्लस प्लस हो गया आई कितना हो गया पाँच, पाँच छोटा है क्या नहीं छोटा नहीं है परंतु इक्वल है अभी, तो उसके लिए वैल्यू दो मैंने टाइप कर दी थर्टी, तो यहाँ चला गया थर्टी, आई प्लस प्लस हुआ आई कितना हो गया छः, छोटा है क्या नहीं कंडीशन इज फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वापस यहाँ नीचे नहीं आएगा सीधा कहाँ जाएगा एंड हाँ यहाँ से हम उसके बाद इस लाइन पे आएगा ठीक है, यहाँ तक का तो काम हो गया साहब का, ये तो पूरा काम हमने कर दिया। उसके बाद अगली लाइन लिखिए प्रिंट एफ एरिया देखो वाली, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, सर्च हमने काम सर्चिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं और आपको इन जो एलिमेंट्स लिए हैं इसमें से कौन सा आपको सर्च करना है, जो नंबर लिए हैं उनमें से कौन सा नंबर आपको ढूंढना है, माना कि मुझे तो भैया 20 नंबर लिखा ये ढूंढना है ठीक है, तो कह रहा है एंटर द नंबर लिखाएगा आउटपुट में, एंटर द नंबर टू बी सर्च ठीक है, मैंने टाइप किया 20, इसके मैं अपने इस 20 को उठाया और टी नाम के वेरिएबल में डाल दिया, इट्स मीन हम यहाँ बना लेते हैं समझने के लिए, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई, सिर्फ ये समझने के लिए ओनली, हम यहाँ एक रफ कर रहे हैं इस काम को जिससे आपको समझ में आ जाए, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। ये दो लाइन लिए हमने कि एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स हमको फाइंड करना है उसको लेने के लिए हमने दो लाइन लिखी हैं, दो लाइन का मतलब क्लियर, अब जैसे ही वैल्यू आ गई टी के अंदर तो उसके बाद हम जाएंगे इधर ठीक है, यहाँ हमने देखा कि लूप चल रहा है, लूप आप जानते ही हो हम कर रहे हैं, लूप पहली लाइन क्या है लूप की, आई की वैल्यू कितनी है 1, छोटा आई के 5 से बिल्कुल छोटा है तो नीचे आएंगे, नीचे आते ही कहा आई की जो 1 वैल्यू दी हमने वापस घटा दो सबको इसको, इनका काम हो गया तो इसका रफ इरेज कर देते हैं, अब आई की वैल्यू कितनी है 1, छोटा है क्या बिल्कुल छोटा है नीचे आएगा, आई के ऊपर जो रखा हुआ है यहाँ देखो कंडीशन लगी है, यहाँ पर क्या है कंडीशन है इफ़ कंडीशन, इफ एल्स पढ़े हैं, इफ कंडीशन पढ़े होगी 11th क्लास के अंदर, वही इफ कंडीशन यहाँ है, इफ कंडीशन मतलब चेक करो कि ये दोनों इक्वल हैं क्या, देखो बराबर बराबर का मतलब होता है ये दोनों बराबर हैं क्या, तो आई में क्या है इस समय 1 के ऊपर 10 रखा हुआ है, तो ये 10 रखा हुआ है ये बराबर है क्या 1 के, नहीं है भैया, दोनों बराबर कह सकते हैं 10 और 1 कैसे बराबर हो सकते हैं, नहीं है ना, तो यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे, जब तक कंडीशन यहाँ की ट्री होगी ऊपर घूमते रहेंगे, जब तक ये कंडीशन फॉल्स रहेगी मतलब ट्रू नहीं होगी तो इस ब्लॉक में एंट्री नहीं करेंगे, ये इफ का घर है, इफ के घर के अंदर ये चालू हो रहा घर, यहाँ से एंट्री करने के लिए इफ के घर में एंट्री करने के लिए ये कंडीशन का ट्रू होना आवश्यक है, परंतु अभी कंडीशन कैसी फॉल्स है क्योंकि यहाँ आई कितना है 1 और 1 पे क्या रखा हुआ है 10 ठीक है, ये बराबर है क्या 1 के, नहीं है बराबर, कंडीशन फॉल्स है, वापस ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके आई प्लस प्लस हो आई कितना हो गया 2 हो गया, नीचे आए 2 पे क्या रखा हुआ है 15, ये बराबर है क्या 1 के, बराबर है क्या, अभी भी बराबर नहीं है कंडीशन फॉल्स है, सॉरी ये है आपका टी है 1 नहीं है टी है, ये टी माफी चाहूंगा मैं आपके लिए टी, तो वापस कर लेते हैं इसको वापस देख लेते हैं, हाँ हमने टी के अंदर क्या वैल्यू ली थी 20 ली थी ठीक है, हमको 20 ही ढूंढनी है पहले, ये अपना काम है, तो आई की वैल्यू कितनी है 1, छोटा है क्या छोटा है, 1 पे क्या रखा हुआ है अभी 10 रखा हुआ है, ये बराबर है क्या टी के, टी पे कितना रखा है 20, दोनों बराबर है क्या नहीं है बराबर, कंडीशन फॉल्ट है, ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस आई कितना हुआ 2, छोटा है क्या बिल्कुल छोटा है, तो 2 पे क्या रखा हुआ है 15, ये बराबर है क्या टी के, बराबर नहीं है अभी भी क्योंकि टी में कितना है 20 और जबकि इस पर कितना है 15, बराबर नहीं है, फिर ऊपर जाएंगे पर आई प्लस प्लस अब आई कितना हो गया 3, 3 छोटा है क्या बिल्कुल छोटा है, 3 पे क्या रखा हुआ है 20, ये टी के बराबर है क्या, टी में कितना है 20, मतलब दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, तो कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो हम इसके घर में एंट्री करेंगे,
घर में एंट्री करते टेप नाम का एक वेरिएबल था, टी ई एम पी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन। हमने कहा जैसी कंडीशन ट्रू हो तो एक वन अपन ने लिया है, वन एक नंबर लिया है उसको टेम्प में एक चल वेरिएबल डिक्लेयर किया था शुरू में, ये वाला देखो इसके अंदर हमने वन डाल दिया, ठीक है। अब इसकी जैसी वैल्यू इसके घर में एंट्री हो टेम्प की वैल्यू वन हो, या टेम्प की जगह आप और नाम भी ले सकते हो, टेम की वैल्यू वन हो, वन होते ही क्या लगे ब्रेक, मतलब हम इससे बाहर निकलाएं। तो हमने पहले क्या किया उसको ढूंढा, मिल गया तो हमने टेम की वैल्यू वन कर दी, वन कर दी तो ब्रेक लगा दिया तो बाहर आ गए हम। अब बाहर होके कहेंगे इस ब्लॉक में तो ऊपर जाएंगे नहीं, ब्लॉक के बाहर आएंगे, बाहर आते क्या मिला, ये मिला एक और नई कंडीशन मिल गई। इस कंडीशन में हमने क्या कहा टेम्प के अंदर जो वैल्यू है, क्या टेम्प के अंदर वैल्यू क्या दिए अपन ने, वन, वन ये बराबर है क्या वन के, हाँ बिल्कुल बराबर है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो फिर एंट्री करेंगे इस ब्लॉक के अंदर। कैसे इस ब्लॉक में एंट्री करेंगे तो क्या लिखाएगा, प्रिंट एफ एलिमेंट्स फाउंड, तो क्या लिखाएगा सर, एलिमेंट्स फाउंड। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो क्या लिखा था, एलिमेंट्स नॉट फाउंड। अगर यही कंडीशन फॉल्स होती तो क्या लिखा था, ये वाला एल्स, एलिमेंट्स नॉट मैच, ठीक है। अभी कंडीशन कैसी है, ट्रू मैच कर गया है तो क्या लिखाएगा, एलिमेंट्स फाउंड, और फिर प्रोग्राम से बाहर हम आ जाएंगे। तो ये था आपका सर्चिंग का सिंपल सा प्रोग्राम, कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी कोई डाउट आपको लगे तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मैंने देखा है कि आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं करते हैं, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही, क्योंकि जब आपकी कोई समस्या आएगी तो हम उस समस्या को लेकर भी वीडियो बना सकते हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब तक मैं मांगे चलता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया, अब डिपेंड करता है आपकी कमेंट्स के ऊपर, कमेंट डिसाइड करेंगी कि आपका प्रोग्राम आया या नहीं आया। कोई कमेंट्स नहीं इसका मतलब आपको प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया, कमेंट्स का मतलब आप कोई ना कोई मुझे सुझाव दे रहे हैं या मुझे बता रहे हैं कि इसमें सर हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो हम उसके ऊपर फिर से डिस्कस कर सकते हैं नई वीडियो के द्वारा, समझे, ठीक है। मिलते हैं फिर, अपन लीनियर पढ़ लिए बाइनरी के अंदर, एक नया टॉपिक के अंदर मिलते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।